तो गाइस पिछले एपिसोड में हमने देखा कि खंदक में कारा यानी सुपरगर्ल की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी थी। उधर दूसरी तरफ ब्लू बीटल भी बूस्टर के साथ अपनी ट्रेनिंग शुरू कर चुका था, पर फिर कोई बूस्टर से मिलने आता है और वो बंदा अपने साथ टैड कोड की वसीयत लाया था, जिसमें कोड इंडस्ट्रीज का मालिक अब बूस्टर गोल्ड को बना दिया गया था। उसी वक्त खंदक में वंडर वुमन और ब्लैक एडम एरिजोना में हुए उस अटैक के बारे में बात कर रहे थे और डैमियन भी उन्हीं के साथ था। डैमियन एरिजोना के हालात देखकर समझ आता है कि वो सब राहुल ने किया होगा, इसलिए वो खंदक से वापस राहुल से मिलने के लिए चला जाता है। तो गाइस बस यही था जो हमने पिछले एपिसोड में देखा था। अगर अभी तक आपने उस एपिसोड को नहीं देखा है तो लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से उस एपिसोड को देख सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं इनजस्टिस 2 का न्यू एपिसोड। आज का एपिसोड शुरू होता है गोरिल्ला सिटी से, जहां डैमियन चुपके से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसे कोई देख लेता है और वो कोई और नहीं एनिमल मैन और बिक्सन थी। एनिमल मैन कहता है, हे डैमियन, तुम वापस आ गए? डैमियन कहता है, हाँ मैं वापस आ गया। तो एनिमल मैन कहता है, मुझे लगा था कि तुम वापस नहीं आओगे। फिर विक्सन भी कहती है, राहुल तुम्हें देखकर बहुत खुश होगा डैमियन। पर डैमियन पूछता है, इससे पहले कि मैं अपने ग्रैंडफादर से मिलूं, क्या हम बात कर सकते हैं? विक्सन पूछती है, क्यों, क्या हुआ? डैमियन कहता है, मैं तुमसे एरिजोना के एक टाउन विलियम्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। फिर हम पहुँच जाते हैं गोरिल्ला सिटी के अंदर, जहाँ कैप्टन कोल्ड, डेडशॉट और किलर क्रॉक गोरिल्लास के साथ खाना खा रहे थे। कैप्टन कोल्ड कहता है, ये दूसरी सबसे बियर्ड कंपनी है जिसके साथ मैं खाना खा रहा हूँ। और फिर डेडशॉट ओर्का को देखकर कहता है, अब ये और ज़्यादा बियर्ड होने वाली है। ओर्का आते ही किलर क्रॉक यानी वेलन को आवाज़ लगाती है और कहती है, वेलन आई एम प्रेग्नेंट। ये बात सुनते ही डेडशॉट तो एकदम से चौंक जाता है और फिर वो और कैप्टन कोल्ड बहुत क्रीपी नज़रों से किलर क्रॉक को घूरने लगते हैं। कैप्टन कोल्ड कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों। और फिर किलर क्रॉक कहता है, हाँ और शायद अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और वो वहाँ से चला जाता है। तो डेडशॉट कहता है, रुको यार, मुझे बहुत से क्वेश्चन पूछने हैं। और उसके पीछे ही दौड़ जाता है। बाहर पहुँचते ही डेडशॉट कहता है, यू नो, मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, पर तुम बेटा चाहते हो या बेटी? और उसे फ्रेश वाटर में रखोगे या सॉल्ट वाटर में? आफ्टर ऑल वो एक क्रोकोडाइल और किलर व्हेल का बेबी होगा। लेकिन किलर क्रॉक उसका कोई जवाब नहीं देता और उसे ही दीवार पर दे मारता है। और शायद उससे डेडशॉट मर भी गया होगा, क्योंकि वो तो एक इंसान था और दीवार में भी एक बड़ा होल हो चुका था। दूसरी तरफ डैमियन विलियम्स एरिजोना के उस अटैक की फुटेज दिखा रहा था। डैमियन कहता है, ये एरिजोना का एक स्मॉल टाउन है, पर शायद था। तो एनिमल मैन कहता है, मैंने इस जगह के बारे में कभी सुना नहीं। इस पर डैमियन कहता है, तो तुम लोग नहीं जानते कि उसने क्या किया है? एनिमल मैन कहता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है डैमियन कि तुम किसकी बात कर रहे हो। तो विक्सन पूछती है, ये किसने किया? डैमियन कहता है, हमने ऐसा किया है। आई थिंक ये वही था जो ग्रैंडफादर को चाहिए था। तो एनिमल मैन पूछता है, पर यही जगह क्यों? इस पर डैमियन कहता है, मुझे लगता है इसके पीछे कोई रीज़न नहीं था। आई थिंक ये सिर्फ एक टेस्ट था उस चीज़ का जिसने ये सब किया है। बड़ी जो लोग मर गए, इन सभी ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। राहुल बहुत से लोगों को मारने वाला है। हम जानते हैं कि हमने एक अच्छे काम के लिए उसे फॉलो किया था, पर शायद यही वो अच्छा काम था, है ना? लोगों की जान लेना। मैं सब का हिस्सा कभी नहीं बन सकता। कोई अच्छा तरीका तो ज़रूर होगा दुनिया को बचाने का। हमें राहुल से बात करनी होगी। फिर डैमियन राहुल के पास पहुंच जाता है और आते ही बोलता है, ग्रैंडफादर। तो राहुल उसे कहता है, डैमियन तुम लौट आए, पर शायद ब्लैक एडम को मेरी बात पसंद नहीं आई। ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है और खंदक को इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। डैमियन टैबलेट दिखाकर कहता है, क्या इस तरह के नतीजे? ये हम लोगों ने ही किया है, मैं ठीक बोल रहा हूँ ना? पर इससे पहले राहुल जवाब देता, ग्रो डैमियन को कहता है, इंसान, मुझे लगता है जो हमने किया है वो तुम्हें ठीक नहीं लग रहा। तो डैमियन कहता है, शायद हमें इस पर बात करनी चाहिए। लेकिन ग्रोड गुस्सा हो जाता है और कहता है, बस बहुत हो गया, सोलोवर, तुम इस इंसान को बोलने ही क्यों दे रहे हो? तुम इस इंसान को गोरिल्लास के साथ बैठने के लिए अलाउ कैसे कर सकते हो? क्यों तुम इस गंदी प्रजाति को इस चैम्बर के नज़दीक भी आने दे रहे हो? उधर एनिमल मैन ग्रोड को शांत करने की कोशिश करता है, पर ग्रोड उसे ही मार देता है। फिर सोलोवर ग्रोड को बोलता है, शांत हो जाओ, इतना क्यों भड़क रहे हो? ग्रोड कहता है, मैं शांत नहीं होऊंगा। ये स्पीसीज एक कीड़े की तरह है जो इस दुनिया को खा रही है। हम वैसे भी इसे कभी न कभी मिटा ही देंगे। तुम एक बीमारी को बोलने भी कैसे दे रहे हो सोलोवर? सोलोवर कहता है, ग्रोड तुम अपनी हद पार कर रहे हो। तुम्हारी आवाज़ बहुत ऊंची उठ रही है। तुम्हारे बोलने का तरीका मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। मेरी बात नहीं सुनकर तुम मुझे ओपन चैलेंज दे रहे हो। गार्ड्स, जनरल जोर्ड को बंद कर दो। इस पर ग्रोड कहता है,
तुमने मुझे चुनने की बजाय एक इंसान को चुना। तुमने धोखा दिया है सोलवर, तुमने अपनी कमजोरी दिखा दी है, तुम में लीडरशिप की कमी है। उधर गार्ड्स ग्रोड का ही साथ देने लगते हैं। ग्रोड कहता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या मेरे सोल्जर अब तुम्हारी वफादारी करेंगे? इसी बीच एथेनिसी राहुल के कान में कहती है, ये सब ठीक नहीं हो रहा, अपने सभी साथियों को बुला लीजिए। दूसरी तरफ सोलवर बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? तो ग्रोड बोलता है, सिटी की इज्जत के लिए, अपने प्लैनेट और लोगों के लिए तुम्हें हारना होगा सोलवर, और एक भाले को सीधे सोलवर के शोल्डर पर मार देता है। फिर गार्ड्स भी सोलवर को घेर लेते हैं और कहते हैं, प्लीज़ रुक जाइए, जनरल जोट सही कह रहे हैं। सोलवर कहता है, धोखेबाजों, अपने किंगडम और किंग के लिए सांस लेना बंद करो। तो सोलवर माइंड कंट्रोल से गार्ड्स की सांस रोक देता है और फिर वो ग्रोड को कहता है, तुम मुझे चैलेंज करना चाहते हो? करो ग्रोड, मुझे दिखाओ तुम में कितना दम है। और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइज, आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने इसमें थोड़े से चेंजेस किए हैं। तो अच्छा लगा तो लाइक करना, और इंडिया से हो तो विश यू हैप्पी रिपब्लिक डे। और गाइज, सुपर हीरो कॉमिक्स को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर देना, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहे तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दिस इज इट गाइज, थैंक यू एंड बाय बाय।